एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए है, क्योंकि आज मैं लेकर आ गई हूँ बिगनर्स मेकअप किट। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है एंड बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल भी होने वाली है अगर आप बिगनर्स हैं। सो अभी मेरी थोड़ी सी हेल्थ ठीक हो चुकी है, थोड़ा सा आवाज भी निकल रही है, जिसकी वजह से मैंने सोचा आज वीडियो शूट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस मेकअप किट में जितने भी प्रोडक्ट हैं, लाइक जितनी भी सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों में मैंने बहुत टाइम दिया है, बहुत समय से टाइम दे रही हूँ। मुझे 3 ईयर्स इसमें हो चुके हैं जब से मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया है, तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया है। साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी हैं एंड ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सारे टेस्टेड हैं, मैंने अपने खुद स्किन पर अप्लाई किए हैं। देन उसके बाद ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी। मैं कोई भी ऐसे प्रोडक्ट आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ जो कि बेनिफिट ना हो उनमें या फिर मैंने उनको टेस्ट ना किया हो। जब तक मैं उसे खुद अपने ऊपर टेस्ट नहीं करती हूँ, तब तक मैं कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी सजेस्ट नहीं करती हूँ। तो गाइस, सारी चीजें इंट्रो पर ही डिस्कस नहीं कर सकते हैं, सो नाउ लेट गेट स्टार्टेड। सो टू बी ऑनेस्ट गाइस, कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, यूट्यूब में जर्नी स्टार्ट की थी, तो मुझे भी था कि मैं एक मेकअप किट अपनी बनाऊं जिसमें मेरे यूजेस की सारी चीजें हों, जिस जिस चीज की मुझे ज्यादा नीड है। सो मैंने इस तरीके की एक स्टार्टिंग में बिगनर मेकअप किट बनाई थी एंड इस तरीके से मेरे पास एक स्टोरेज बॉक्स है जिसमें अलग अलग तरीके की किट मैंने बना रखी है, लाइक मेकअप किट हो गया, ट्रेवल किट हो गया, या फिर ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं तो वो किस तरीके का प्रोडक्ट लेके जा सकती हैं ऑफिस में। सो मैंने इस तरीके की अलग अलग किट बना रखी है, वो भी मैं अब इसके बाद सीरीज मेरी आने वाली है, तो मैं सारे किट आपके साथ शेयर करूंगी 1x1 करके। सो आज का स्टार्टिंग जो मैंने किया है वो बिगनर्स मेकअप किट से किया है। तो गाइस, जब भी बिगनर्स की बात आती है ना, तो बेसिकली हमारे माइंड में एक ही बात क्लिक होती है कि हमें लगता है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमें अफोर्डेबल मिल जाए बट क्वालिटी में भी वो बेस्ट होने चाहिए। सो मैंने इस तरीके से जितने भी प्रोडक्ट लिए हैं, लाइक आज की मेकअप किट में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे अंडर 300 ही हैं, बट उसमें से एक आध प्रोडक्ट है जो अबव 300 गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आपको अपनी किट दिखा देती हूँ कि मैंने इस तरीके का एक स्टोरेज बॉक्स बना रखा है जिसमें मैंने सारी यूजेस की जितनी भी मतलब आज के बिगनर्स की जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो सारे मैंने मेकअप प्रोडक्ट इसमें रख रखे हैं एंड इसमें इतने ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, लाइक आप किसी तरीके का भी मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, नॉर्मल से लेके आप हैवी मेकअप तक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है एंड बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। इसलिए गाइस, मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगी स्किन केयर से। तो स्किन केयर के लिए हमें जरूरत होगा मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम के लिए मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन है, दोनों ही पाउंड्स के ही हैं। एक पाउंड्स का जेल मॉइस्चराइजिंग क्रीम है एंड ये एक पाउंड्स का लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। सो ये दोनों पाउंड्स के मॉइस्चराइजिंग क्रीम बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, ड्राई स्किन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है एंड ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए दोनों ही बेस्ट। मेकअप किट में जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है लैक्मे लूमी क्रीम एंड ये जो लैक्मे लूमी क्रीम है ये थोड़ा सा हाइलाइटिंग प्लस मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जैसा कि इसमें दिया गया है एंड इसे मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ अपने मेकअप में। आप मेरी अगर स्टार्टिंग की वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये जितने भी प्रोडक्ट आज मैं आपको दिखा रही हूँ वो सारे प्रोडक्ट मैंने कितने बार यूज किए हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे लगे मुझे एंड इसके रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छे है। तो ये जो लैक्मे लूमी क्रीम है गाइस, ये थोड़ी सी ल्यूमिनेटिंग वाली है एंड थोड़ी सी साइन इफेक्ट देती है, जिसकी वजह से ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लाइक अगर कभी आपका फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम लगाने का मन नहीं कर रहा है सो आप केवल इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हल्का सा टेंट भी है तो आपके फेस पर एक अच्छा सा ग्लोइंग इफेक्ट आता है, तो केवल आपका इससे काम चल जाना है। बट अगर आपको लगता है कि कोई हैवी पार्टी पर जाना है देन आप फाउंडेशन वगैरह यूज कर सकते हैं। सो इसका प्राइस वगैरह मैं साइट पर मेंशन कर दूंगी, क्योंकि अभी मुझे किसी का प्राइस नहीं याद है, सो आपको प्राइस वगैरह साइट में देखने के लिए मिलेगी। स्किन केयर की बात हो चुकी है, अब आती है बारी लिप को हाइड्रेट करने के लिए, जिसके लिए मेरे पास यहाँ दो प्रोडक्ट हैं। एक तो ये हो गया जोवीस का लिप बाम, जो कि बहुत प्यारा सा लिप बाम है एंड हल्का सा इसमें टिंट भी है। सो सेकंड मेरे पास जो ऑप्शन है वो रेने की ये लिप ग्लॉस है एंड ये थोड़ा सा कॉस्टली है, आई थिंक ये 300 के अबव गया था जब मैंने इसे परचेस किया था एंड ये बहुत ही ज्यादा प्यारी साइन इफेक्ट देती है लिप में। लाइक जब आप लिप पर लिपस्टिक अप्लाई कर लेते हैं देन इसके बाद अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज्यादा साइन इफेक्ट देता है। तो आप इन दोनों को कभी कभी ब्लशर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही नेचुरल इफेक्ट देगा। एंड रही बात रेने की जो लिप ग्लॉस की है एंड इसके लिए तो मैं मतलब इसकी तो मैं फैन हूं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आप देख सकते हैं हल्का सा टिंट में ये भी है और इसका जो शेड है ये पीची है,
हाँ ये पीछी सेट पर मैंने परचेस किया है एंड इसका जो प्राइस रेट है वो थोड़ा सा हाई है, बट रेने की रेने एक ब्रांड है अपने आप में, आपको पता ही होगा रेने के बारे में। एंड इसकी लिपस्टिक वगैरह बहुत ही अच्छी आती है, लाइक इसका हाइलाइटर ब्लशर भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है, थोड़ा सा कॉस्टली भी आती है गाइज। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो की है प्राइमर, प्राइमर के लिए यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे पास तीसरा भी ऑप्शन था बट अभी वो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है बिकॉज वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया है। सो अभी प्रेजेंट टाइम पर मेरे पास दो प्राइमर अवेलेबल हैं। फर्स्ट जो है ये है इनसाइट का पोर मिनिमाइज प्राइमर, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे प्राइमरों को इसने टक्कर दी, लाइक इतने ज्यादा कॉस्टली प्राइमर जो होते हैं उनको भी टक्कर देने वाला है बिकॉज ये इतना अच्छा ब्लर कर देता है। मैंने आज के मेकअप लुक में इन प्रोडक्ट को ही यूज किया है एंड आज का जितना भी आप लुक देख रहे हैं वो सारा की सारा मैंने इसी बिगनर्स मेकअप किट से ही अप्लाई किया है। सो ये जो इनसाइड का प्राइमर है ये भी बहुत अच्छा है, ब्लर कर देता है, इतना स्मूथ बना देता है। बेसिकली ये सिलिकॉन बेस है ना, तो ये ऑल स्किन टाइप है, आप किसी भी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन है वो है हिलेरी उडा का प्राइमर एंड ये प्राइमर जो है ना ये जेल बेस्ड प्राइमर है एंड इसका मैं यही कहूंगी कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा बेस्ट है, ऑयली स्किन के लिए ये बेस्ट नहीं है, बट इसको मैंने बहुत टाइम से यूज किया है एंड आई थिंक ये अब एक्सपायरी भी होने वाली है, नहीं 2024 की है एंड इसे जल्दी मुझे समाप्त करना है क्योंकि अभी इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है बट ये स्पेशली फॉर ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा बेस्ट है। बिगनर मेकअप किट हो और हमारे पास बीबी क्रीम ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है बिकॉज बीबी क्रीम सबसे बेस्ट क्रीम होती है एंड आई डोंट नो कहाँ गई। हाँ ये जो बीबी क्रीम है मेरे पास पाउंस की बीबी क्रीम है, आप कोई भी बीबी क्रीम सीसी क्रीम यूज कर सकते हैं बट आपकी किट में ये तो हमेशा होना चाहिए, लाइक कोई भी हो। बीबी क्रीम एक ऐसा फॉर्मूला है जब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम की शॉर्टेज है, आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा हैवी मेकअप करने की, तब आप बीबी क्रीम से क्विकली मेकअप कर सकते हैं एंड इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टूल्स वगैरह की जरूरत नहीं है, लाइक ब्लेंडर वगैरह की जरूरत नहीं है, आप इसको इजिली अपने हाथों से ब्लेंड कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट, एकदम नेचुरल मेकअप मिलता है। तो बीबी क्रीम तो बेस्ट है। नेक्स्ट बारी आती है फाउंडेशन की एंड फाउंडेशन के बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है बिगनर्स किट में बिकॉज जो भी फाउंडेशन है फिर या तो वो हाई कवरेज वाले फाउंडेशन हो जाते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा कॉस्टली में पहुंच जाते हैं। सो बिगनर्स के लिए अभी तक बजट फ्रेंडली कह सकते हैं, बहुत ही छोटू सा इतना सा ये मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन, इसमें मेरा सेट नंबर 128 वार्म न्यूड है। तो ये जो फाउंडेशन है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड ये ऑल स्किन टाइप है, कोई भी स्किन वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट फॉर्मूला इसका ये है कि ये मैट फिनिश देता है, साथ ही साथ ये इतनी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही अच्छा नेचुरल इफेक्ट देता है। सो मैं तो इसकी फैन हूँ एंड इसकी ही नहीं मेबलिन के सारे प्रोडक्ट की फैन हूँ। इसमें से मेबलिन के जो भी और भी फाउंडेशन है वो थोड़ा सा हाई रेंज पर है बट ये जो फाउंडेशन है ये एक पॉकेट फ्रेंडली बनाया गया है, बहुत ही छोटू सा है बट कमाल का है, इसका जो रिजल्ट है वाओ वाला है। मतलब इस फाउंडेशन को लगाने के बाद हर कोई इसका फैन हो जाता है क्योंकि ये भी एक तरीके से बीबी क्रीम की तरीके वर्क करता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नेचुरल इफेक्ट देता है, इसे अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हमने बहुत ज्यादा हैवी कुछ लगा लिया है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फॉर्मूला है, इसलिए इसके लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहती हूँ एंड ये हमेशा हमेशा मेरे साथ रहता है, मैं कहीं पर भी जाऊँ ये वाला फाउंडेशन तो मैं हमेशा लेके चलती हूँ। उसके बाद बारी आती है कंसीलर की एंड कंसीलर के लिए आज मेरे पास ऑप्शन है थ्री ऑप्शन है, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन है इनसाइट का 2X कवर मास्टर कंसीलर, बहुत ही ज्यादा एफोर्डेबल रेंज के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है। मैंने इसे यूज किया है, कई बार यूज किया है, इनसाइट के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे आते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। तो इनसाइट के जो प्रोडक्ट हैं वो ट्रस्टेड है एंड मैं बहुत ज्यादा इनसाइट के प्रोडक्ट पर जाती हूँ बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा एफोर्डेबल है, एफोर्डेबल के साथ साथ बहुत ही अच्छा कवरेज भी देते हैं। इसमें मेरा जो सेट नंबर है मैंने हाइलाइटिंग के लिए यूज किया था 01 सन बीज, इसका सेट नंबर है। सेकेंड जो कंसीलर है वो है NYB का कंसीलर एंड इसका जो कैप है वो खो गया है, सो ये NYB का कंसीलर है मैं बता दे रही हूँ एंड इसमें जो मेरा सेट नंबर है आई थिंक इसमें सेट नंबर नहीं दिख रहा है, मैं साइट पर मेंशन कर दूंगी। सो ये कंसीलर भी बहुत अच्छा है NYB का एंड सुपर एफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा मतलब सो एफोर्डेबल कंसीलर एंड बहुत ही अच्छा कवरेज भी देता है। सो लास्ट कंसीलर जो मेरे पास है वो है स्विच ब्यूटी का कंसीलर एंड इसमें मेरे पास दो सेट है, एक है 07 एंड एक है 01।
सो ये कंसीलर ना मेरा ऑल टाइम फेवरेट कंसीलर है गाइस। लाइक मेरे पास इतने ज्यादा कॉस्टली भी कंसीलर है, फॉरएवर 52 का हो गया एंड इंस्टेंट रिवाइन वाला जो कंसीलर है मेबलिन का, वो भी मेरे पास कंसीलर है, बट इसके आगे मुझे कोई भी कंसीलर अच्छे नहीं लगते हैं, बिकॉज इसका जो कवरेज है बहुत अच्छा है, लो टू मीडियम कवरेज है, बट बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है एंड सो एफोर्डेबल प्रोडक्ट है। सो इसके लिए तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी एंड ये मेरा तीसरी बार कंसीलर है जब मैं परचेस कर रही हूँ एंड ये भी देख सकते हैं आपके ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, तो नेक्स्ट भी मैं ऑर्डर करने वाली हूँ जल्दी। तो ये मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा कंसीलर है और मैं इसे हमेशा यूज करती हूँ अपने मेकअप प्रोडक्ट में। कोशिश यही रहती है कि मैं इसे ही यूज करूँ, कभी कभी ये होता है ना कि एक ही प्रोडक्ट को यूज करो तो फिर लोग कहने लगते हैं कि आपके पास क्या केवल यही कंसीलर है। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कभी कभी दूसरे कंसीलर यूज कर लेती थी, बट ये वाला जो कंसीलर है ना, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा यही कंसीलर यूज। पाउडर के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, लाइक 2 लूज पाउडर है एंड एक मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है। तो पहले लूज पाउडर की बात कर लेते हैं। तो पहला जो लूज पाउडर है वो इनसाइड का HD ये वाला लूज पाउडर है एंड बनाना पाउडर कह सकते हैं क्योंकि येलो टोन पर है। सेकंड जो ऑप्शन है वो है हिलेरी हुडा का लूज पाउडर, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सबसे पहला लूज पाउडर है जो कि मेरे मेकअप किट में आया था एंड इसे मैंने सबसे पहले परचेस किया था, ये मैंने ऑफलाइन परचेस किया था एंड इसका रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है अभी तक चल रहा है। इसमें आपको कॉम्पैक्ट प्लस लूज दोनों मिल जा रहा है, तो इसमें आपको 2-in-1 वाला है एंड मैं कोशिश करती थी, जब मैंने स्टार्टिंग में अपनी मेकअप किट बनाई थी तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं बहुत ज्यादा एफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ साथ कोशिश करूं कि 2-in-1 या 3-in-1 इस तरीके के प्रोडक्ट ले सकूं कि एक ही पैलेट में एक ही चीजों में मुझे 2-3 चीजें का ऑप्शन मिल जाए, तो इसलिए हमेशा मैं 2-in-1 और 3-in-1 के ओर ज्यादा जाती थी। थर्ड ऑप्शन है वो है मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड इसे मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया था एंड सो बार बार मेरे फोन की जो लाइट है वो डिम होती जा रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कैमरा मेरा ऑफ हो रहा है। सो ये जो थर्ड ऑप्शन है मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड इसमें इन दी सेड नंबर है मेरा आइवरी एंड ये कॉम्पैक्ट मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया था, बट मैंने इसे बहुत ज्यादा यूज किया है। इसका जो फॉर्मूला है बहुत अच्छा है, मैटिफाई फिनिश देता है एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट है। मैंने इसे इतना ज्यादा यूज किया है कि आप देख सकते हैं कि ये अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है एंड इसका भी मैं नेक्स्ट ऑर्डर करूंगा। कंटोरिंग की बात करें तो कंटोरिंग भी बहुत लोग करते हैं, ब्रॉन्जिंग भी करते हैं। वैसे तो बिगनर्स मेकअप किट में इतनी ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि किसी किसी को फेस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स होते हैं, तो उनको हाइड करने के लिए या फिर डार्क स्पॉट एरिया भी बहुत होते हैं जिसके लिए कंसीलर की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, लाइक कलर करेक्टिंग वाली कंसीलर की। तो जिसके लिए मैंने इनसाइट का ये प्रो कंसीलर व्हील लिया था जिसमें मुझे सारी चीजें मिल जा रही है। इसमें 3-3-6 आपको कंसीलर मिल जा रहे हैं कलर करेक्टिंग के लिए, एज आप इसे कंटोरिंग यूज कर सकते हैं, हाइलाइटिंग भी यूज कर सकते हैं एंड 2 आपको कलर करेक्टिंग मिल जा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा एफोर्डेबल है एंड बहुत ही अच्छा अमेजिंग इसका फॉर्मूला भी है। इसके बाद बात करते हैं ब्लशर की। तो ब्लशर के लिए गाइस मैंने एक पैलेट ली थी जो कि है स्विच ब्यूटी की पैलेट एंड जैसे कि मैंने बताया मैं हमेशा कोशिश करती हूँ 2-in-1 या 3-in-1 मतलब मल्टीपर्पज में कोई भी प्रोडक्ट लेना ज्यादा सही समझती हूँ। सो इसी तरीके से मैंने स्विच ब्यूटी का ब्लशर पैलेट लिया था एंड इसमें मुझे 6 ब्लशर सेड मिल जा रहे हैं, 5 ब्लशर सेड हैं और एक ब्राउजिंग का मिल जा रहा है जो कि आप उसे ब्राउजिंग की तरीके यूज कर सकते हैं एंड 2 हाइलाइटर भी मिल जा रहे हैं, एक्स्ट्रा हाइलाइटर भी लेने की जरूरत नहीं है एंड इसका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा एफोर्डेबल था। मैं साइट पर मेंशन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा हाई पिगमेंटेड है, आप अभी देख सकते हैं ये इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली से शेड्स दिए गए हैं एंड सी गाइस कितना ज्यादा पिगमेंटेड है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ इसी तरीके की पैलेट लेने के लिए एंड ये थोड़ा सा अफोर्डेबल पड़ जाते हैं, तो काफी काम भी हो जाता है, काफी मल्टीपर्पज यूजेस भी है एंड पैसे भी इतने ज्यादा नहीं लगते। क्योंकि भी मेरे पास 2 ऑप्शन और हैं पैलेट को हटाकर। फर्स्ट है इनसाइड का मिनी हाइलाइटर एंड ये हाइलाइटर गाइस बहुत ही अमेजिंग है, लाइक इस तरीके का मिनी छोटे छोटे से कई सेट पर है। ये मैंने थोड़ा सा 06 कॉस्मिक पाउडर सेट पर लिया था एंड ये क्रीमी फॉर्म पर है एंड बहुत
बहुत ही ज्यादा हाई पिगमेंटेड है। तो पैकेजिंग भी बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुली सी दी गई है एंड ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, आप इसे इजिली कैरी कर सकते हैं कहीं पर भी ट्रेवल वगैरह की बात करें गाइस। तो मेरे पास एक स्विच ब्यूटी की ये अल्टीमेट शैडो पैलेट है एंड इसमें 9 आपको शेड मिल जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा है। इसमें मैंने जो पैलेट है इसमें कई शेड नंबर अलग अलग तरीके के आते हैं, तो मैंने इसका 04 शेड नंबर लिया था बिकॉज ये शेड अधिकतर मैं यूज करती हूँ, मुझे स्मोकी लुक्स ज्यादा पसंद आते हैं, न्यूड सटल मेकअप ज्यादा पसंद आता है, इसलिए मैंने इसका ये वाला पैलेट लिया था एंड ये बहुत ही अमेजिंग हाई पिगमेंटेड वाले पैलेट है बिकॉज ये इतना छोटू सा है बट कमाल का वर्क करता है, इतने ज्यादा पिगमेंटेड इसमें शेड दिए गए हैं। तो अभी मेरे जितने भी रिसेंटली मेकअप लुक आ रहे हैं उसमें मैं यही पैलेट यूज कर रही हूँ बिकॉज इसका अमेजिंग वर्क है और बहुत ही ज्यादा एफोर्डेबल भी है, इसे मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया था एंड इस प्राइस रेट पर आपको बहुत ढेर सारी पैलेट मिल जाएंगी बट वो इतने ज्यादा पिगमेंटेड नहीं होते हैं, बट आप कोशिश करें कि आप भले छोटी सी पैलेट लें लेकिन वो हाई पिगमेंटेड वाली हो तो ज्यादा अच्छा है बिकॉज कम पिगमेंटेड जो सेट रहते हैं वो इतना ज्यादा अच्छा वर्क नहीं करते हैं और इतने ज्यादा अच्छे भी नहीं लगते हैं देखने में। सो ये पैलेट भी बहुत अमेजिंग है। आई शैडो पैलेट तो मेरे पास केवल एक ही थी बट मेरे पास इस तरीके से ग्लैम 21 के 3 ग्लिटर दिए गए हैं, बहुत ही ज्यादा हाई पिगमेंटेड ग्लिटर है। जब मैंने इसे शॉप पर परचेस किया था, मैंने इसे ऑफलाइन परचेस किया था एंड जब मैं गई थी देखने के लिए तो मैंने 3 खरीद लिए थे, उनके पास 3 ही थे, इसका जो प्राइस है वो भी बहुत रीजनेबल था तो इसलिए मैंने इसे परचेस कर लिया था और बहुत अमेजिंग। आईलाइनर की बात करें तो मेरे पास 2 ऑप्शन है गाइस, एक फर्स्ट है इनसाइड का ये आईलाइनर जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट आईलाइनर है, इसकी जो बॉटल है आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी पैकेजिंग में दी गई है एंड ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसका जो वर्क तो ये वैसे ही करता है जैसे सारे लाइनर करते हैं तो उसी तरीके से वर्क करता है बट ये थोड़ा सा रेंज वाइज कम है। सेकंड जो मेरे पास ऑप्शन है वो है लैक्मे का ये आइकॉनिक जेल लाइनर जो कि बहुत ही अमेजिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है और ये वाला जो लाइनर है ये लॉन्ग लास्टिंग इतना नहीं है और ये वाटरप्रूफ भी नहीं है। सो दोनों में डिफरेंसेस ये है, इसी वजह से इसका जो प्राइस रेट है वो ज्यादा है, इसका कम है। आपकी मेकअप किट में काजल होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको काजल लगाना पसंद है। सो मेरे पास काजल ये 10 या 20 रुपीज का लोकल मार्केट में मिल जाएगा और मैं हमेशा यही काजल यूज। नेक्स्ट मस्कारा की बात करें तो मेरे पास इसके भी 2 ऑप्शन है, फर्स्ट जो मस्कारा है वो लैक्मे 925 HB मस्कारा, ये मैं काफी टाइम पहले लिया था बट ये इतना ज्यादा वर्क नहीं करता है, मतलब लैसेस को कर्ल नहीं इतना अच्छा करता है बट ठीक है उस तरीके से प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो अमेजिंग है। सेकंड जो मस्कारा है वो है मेबली न्यूयॉर्क का ये हाइपर कर्ल मस्कारा गाइस, ये अमेजिंग वर्क है, इतना अच्छा लैसेस को कर्ल कर देता है, बहुत क्विकली वर्क करता है, वॉल्यूम बढ़ाता है एंड बहुत ही अच्छे लैसेस लगते हैं, लाइक ऐसा लगता है आपने कोई फेक लैसेस अप्लाई कर रखा है इस मस्कारा को अप्लाई कर। लास्ट बट नॉट लीस्ट बारी आती है लिप कलर की, तो लिप कलर के लिए हमेशा मेरे पास ऑप्शंस रहते हैं लिप पैलेट का, लिपस्टिक तो रहती है और लिपस्टिक जितनी भी है मेरे पास कॉस्टली है बट मेरे पास 2 जो ऑप्शन है जो एफोर्डेबल में है, तो मैं आपको बता दूं मैंने 2 लिप पैलेट ले रखी है, एक ये स्विच ब्यूटी की ऑल अबाउट लिप पैलेट जिसमें बहुत ही सारे न्यूड शेड मिल जा रहे हैं, सेकंड जो पैलेट है मेरे पास इनसाइड की इस तरीके की पैलेट है, इसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन कलर मिल जा रहे हैं, आप इसको मिक्स एंड मैच करके बहुत यूनिक कलर बना सकते हैं जो भी आप बनाना चाहे, तो इस तरीके की आप आपका अगर बजट नहीं अलाउ करता है तो आप स्टार्टिंग में इस तरीके की पैलेट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताऊं तो लिपस्टिक मेरे पास कुछ इस तरीके की छोटी सी मिनी लिपस्टिक आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी सी इस तरीके से, तो मैंने ये जस्ट हब्स की मिनी लिपस्टिक ऑर्डर की थी, ये मुझे आई थिंक 12 पीस पर रिसीव हुई थी एंड जिसमें से मैंने जितने भी बोल्ड शेड थे लाइक रेड पिंक तो मैंने वैसे शेड मैंने अपनी सिस्टर को दे दिए थे एंड इस तरीके की मेरे पास 6 लिपस्टिक मेरे पास है, 6 उनको मैंने दे दी थी एंड ये अभी मुझे 3 मिली है, 3 मेरे इधर उधर पर्स में पड़ी होंगी क्योंकि मेरे पास जितने भी पर्स है मैं सब में एक एक करके डाल के रखती हूँ। सो अमेजिंग है, इतने ही प्रोडक्ट एक बिगनर्स के पास होने चाहिए, उसकी मेकअप किट में इतने जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं वो पर्याप्त है। सो इसमें मैंने ऑप्शन कई ढेर सारे दिखाए इसलिए आपको ज्यादा लग रहे होंगे, अगर आप एक एक ऑप्शन रखते हैं तो फिर आपके पास मेकअप किट में बहुत कम प्रोडक्ट होंगे और जो कि सारे अमेजिंग होंगे। बस गाइस आज की वीडियो में आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा सस्ते प्रोडक्ट के चक्कर में बेकार प्रोडक्ट ना खरीदें,
थोड़ा सा उनमें और इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रोडक्ट ले जो लॉन्ग टाइम चल सके एंड बहुत ही अमेजिंग वर्क करे। सो आई होप यू गाइस आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखना चाहेंगे। एंड गाइस मैंने जैसा कि आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि अभी जितनी भी वीडियो आने वाली है वो सारी मेकअप किट से ही रिलेटेड है बिकॉज मैं सारी मेकअप किट आपके साथ शेयर करूंगी। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। सो सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।